नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माँ कात्यायनी की कथा लेकर आई हूँ। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हीं की कथा सुनी जाती है। तो आइए देखें माँ कात्यायनी की कथा। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा की छठी शक्ति देवी कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और तेजमय है। इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा की स्थिति में रहती है, वहीं नीचे वाली भुजा वर मुद्रा की स्थिति में रहती है। माँ कात्यायनी के बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार धारण की हुई है, अतः नीचे वाली भुजा में कमल का फूल सुशोभित रहता है। इनकी आराधना करते वक्त साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन जातक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने के कारण माँ कात्यायनी के सहज रूप से दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त रहता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य सर्वोच्च चेतना को जागृत करता है, जिससे मनुष्य बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग वाला बनता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा कालिंदी और यमुना नदी के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठार्थी देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहे हों, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति हो सके। माँ कात्यायनी की आराधना करते समय बोला जाने वाला श्लोक मैं आपको बता रही हूँ। चंद्र हासो ज्वला करा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभम दाद्यात देवी दानव घातिनी। आइए अब देखें माँ कात्यायनी की कथा। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे और उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं ऋषि कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत ही कठिन तपस्या की थी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, और इसीलिए उन्होंने पराम्बा की उपासना करके और बहुत ही कठिन तपस्या की थी। माँ भगवती उनकी तपस्या से खुश हुई और उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली कि मैं आपके घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। अब कुछ समय पश्चात राक्षस राज महिषासुर, जो कि देवताओं पर अत्याचार कर रहा था, उसके अत्याचार बहुत बढ़ गए और उसके अत्याचारों से सारे पृथ्वीवासी और देवता सब दुखी होने लगे और सभी देवता परेशान हो गए और वो परेशान होके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी को साथ लेके सारे देवता भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। अब वहां जाके सारे देवताओं ने महिषासुर के अत्याचार की कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव को सुनाई, जिसको सुन के भगवान विष्णु और भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध से उनकी भौहें तन गई, उनकी आंखें लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज उत्पन्न हुआ और उसी तरह का तेज उसी समय भगवान शिव के मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से, इंद्र और सारे देवताओं के मुख से भी तेज प्रकट हुआ और वो सारे तेज पुंज एक जगह एकत्रित होकर एक बड़े तेज पुंज में बदल गए और वो तेज पुंज ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में उस तेज पुंज ने जन्म लिया। अब महर्षि कात्यायन को तो पता था कि उनके घर भगवती देवी का जन्म होने वाला है, पुत्री के रूप में वो आने वाली है। तो महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना की और महर्षि कात्यायन द्वारा उनकी पूजा अर्चना करने से वो देवी कात्यायनी देवी कहलाई। कात्यायनी देवी को देख के महिषासुर से पीड़ित सारे देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अब सारे देवताओं ने कात्यायनी देवी को अपनी अपनी शक्ति प्रदान की, अपने अपने शस्त्र प्रदान किए। तो भगवान शिव ने अपना शस्त्र त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी। इसी तरह सभी देवताओं ने देवी को अपने अपने शस्त्र और शक्ति प्रदान की। हिमालय ने देवी को सिंह प्रदान किया, जो कि देवी कात्यायनी की सवारी है। कात्यायनी देवी ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए समस्त भूमंडल और आकाश को गुंजा दिया और देवी के अट्टाहस करने से तो पृथ्वी कांपने लगी। देवी के अट्टाहस को सुन के असुरों की सेना भी तैयार हो गई हथियार के साथ लड़ने के लिए और देवी जहां विराजमान थी वहीं सारे असुर आके और उनसे लड़ने लग गए। असुर और देवी कात्यायनी के बीच भीषण युद्ध हुआ
और अंत में देवी कात्यायनी ने महिषासुर को पराजित कर दिया और तलवार लेके उसका सिर काट दिया। अब महिषासुर का वध करने के कारण कात्यायनी देवी का नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रह के भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, माँ कात्यायनी की कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्यौहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ओम दुर्गाय नमः। जय श्री कृष्ण।